गुरुजी ने एक मंत्र कहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा था जोशी ये मंत्र उन्हीं को देना जो निष्ठावान है और गुरुजी का मंत्र करते हैं, उन्हीं के लिए देना। आपने अगर वास्तु या कृत्य वास्तु कृत्य के बारे में देखा तो देखा तो होगा, लेकिन गुरुजी ने उसमें मंत्र नहीं दिया है। गुरुजी कहते हैं कि वो 32 श्लोकों वाला अथर्ववेद का मंत्र है, जहाँ तुम मंदिर मानते हो, जहाँ तुम घर मानते हो, उसके बारे में आपको इस मंत्र के साथ अगर वास्तु कृत्यायंत्र की स्थापना की तो उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष काम नहीं करता, उस घर में प्रेतात्माएं नहीं रहती, उस घर में राक्षसों का वास नहीं रहता, उस घर में नेगेटिविटी नहीं रहती और पॉजिटिविटी आती है, ऐसा गुरुजी का कहना था। अब उदाहरण के तौर पर मेरे पास मेरे दोनों भी पुरोहित बैठे हैं, आपको बताता हूँ, दोनों भी पुरोहित बैठे हैं निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में। मैंने कम से कम आज तक तुमने देखे हो, तुम पहले से अगर देखने वाले हैं तो एक झोपड़ी से लेकर आज तक इतनी बिल्डिंग बनाई। आप इन्हीं से पूछ लो कौन सा मुहूर्त देखकर मैं किसका वास्तु पूजा किया हूँ, आज तक नहीं किया। आज हजारों लोग, मैं ऐसा कहता हूँ, निखिल चेतना केंद्र में एक दिन ऐसा नहीं गया जिसमें गुरु मंत्र या कोई देवता का मंत्र नहीं होता, ऐसा निखिल चेतना केंद्र का बांध दे आज तक 22 वर्ष में नहीं। इस 22 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं, किसी को सांप ने काटा है, किसी को बिच्छू ने काटा है, कोई ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुंड भी बांधा है, मैंने अग्निकुंड भी, आगे अब हवन कुंड भी बांधा है, उनको सब पता है। जब दिल में आए दोनों को बुलाता हूँ, चलो पूजा करो आगे का काम करो, ऐसा करते चलता हूँ। एक बात करता हूँ, वास्तु कृत्यायंत्र हैदराबाद के निखिल चेतना केंद्र में भी है, मेरे घर में भी है, और मेरे घर में भी अगर उनको पूछा जाए तो मेरा घर जो गोलीगुड़ा का है 3 रस्तों पर, मैं जहाँ अब मेरे घर में बोधन में भी घर बांधा हूँ, अब जहाँ रहते हैं लोग रोज खाना खाते हैं, कभी उसमें वास्तु पूजा नहीं किया। निखिल धाम में मंदिर बांधा हूँ तो मंदिर इनके सामने देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा किया हूँ, लेकिन मैं वास्तु किया हूँ नहीं, ये लोग जानते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ जहाँ वास्तु कृत्य यंत्र हो वहाँ किसी प्रकार का दोष काम नहीं करता, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। लेकिन वो वास्तु कृत्य यंत्र लेते समय प्राण प्रतिष्ठित हो, और वो प्राण किसके हो, प्राण किसके पर, जिसने प्राण मंत्र की आराधना की हो, 25,00,000 मंत्र जब किया हो, जिसने वरुण याग को या वरुण मंत्र को किया हो, जिसने अग्नि का मंत्र नित्य जपता हो, पंचमाभूतों में आकाश तत्व को जानता हो और वरुण तंत्र को और भूमि तत्व वसुधा लक्ष्मी को जानता हो। आप अगर जानते हैं तो मैंने वसुधा लक्ष्मी की स्थापना की, वरुण इंद्र के रूप में कुंड की स्थापना की, अग्नि तो नित्य मेरे पास चंडी हवन के अग्नि की स्थापना होती है, अग्नि की पूजा होती है, और कहते हैं कि ओम जो अब प्रशांत जी ने तो मंत्र पहले कहा था, ओम आम अग्नये नमः, वो उनका प्रथम मंत्र था प्रशांत जी का जो अग्नि के बारे में, और दूसरा वासुदेव का मंत्र था जो मैं अभी आपको बता रहा था, जिसको बताने के लिए उन्होंने मना किया है, जो निष्ठावान शिष्य हो उनको ही वो मंत्र देने के लिए कहा है, और तीसरा मंत्र उन्होंने प्रशांत जी ने अगस्त्य जी को जो बताया था वो ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, जो प्राण अपने चैतन्यवान करता है, उस प्राण को चैतन्यवान करने वाला वो मनुष्य अगर 25,00,000 मंत्र करता है, किसी को भी स्पर्श कर दे उसका उद्धार हुआ, उसका स्पर्श करने मात्र से उसके दोष जल जाएंगे और वो श्रेष्ठ कहता है। वो शिष्य, वो गुरु अपने किसी भी शिष्य को छू भी लेता है तो उसके पापों और दोषों का निराकरण करने की शक्ति रखता है। ये सब होते हुए भी मैं आपको अगर इतने थोड़े से पहले 1935 की बात बताता हूँ। मैंने आज हमारे शर्मा जी जो पीछे हैं वो आए थे और आकर कह रहे थे कि गुरु जी आज थोड़ा हृदय को धक्का लगा। मैं बोला क्या हुआ भाई, तो किसी ने आकर हमें ये कह दिया कि तुम सेवा कर रहे हो, हम साधना कर रहे हैं, तुम सेवा इसलिए कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे को साधना नहीं आती इसलिए तुम यहाँ बैठे हो और मैं साधना करने वाला यहाँ बैठा हूँ, ऐसी बात ये गलत है। गुरु तो सेवा करने वालों को ही ज़्यादा चाहता है। इसका उदाहरण स्वामी समर्थ रामदास के पास कल्याण नाम के शिष्य थे, जो रोज़ 700 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घड़े में पानी लेकर जाते थे और स्वामी समर्थ रामदास को स्नान का खाना बनाने का काम, केवल सेवा कर, कोई मंत्र नहीं। स्वामी समर्थ रामदास के पास दास बोध लिखने वाले और उनकी उनकी पूजा करने वाले, उनकी आराधना करने वाले बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन एक दिन हुआ ये कि स्वामी समर्थ रामदास अपने पहाड़ पर चलते जा रहे थे तो वो तो लंगोटी पहनते थे और उनके शरीर पर एक ऐसा गमछा रहता था जो हम कहते हैं गुरुचादर की जैसा था। तो पहाड़ पर चलते चलते जोर से हवा आई और उनका वो गमछा उड़ गया, पहाड़ से नीचे उड़ता चला गया। तो सारे शिष्य देखते, अरे मेरा गमछा उड़ गया, ऐसा स्वामी समर्थ रामदास ने कहा। तो ये सारे शिष्य ने कहा गुरु जी गमछा गया है, हम दूसरा ला के दे देंगे। लेकिन जो उनका कल्याण शिष्य था वो एकदम कूद गया, कूद जाकर एकदम घुमाते हुए उस चादर को लेकर ऊपर आए। ये सारे शिष्य हम
रोज साधना करते हैं, रोज पूजा करते हैं, गुरु जी आपके पास दास बुक लिखते हैं आपने, इस तरह उड़के कैसा क्या गया? तुम्हारे पास केवल पानी भरता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे को खाना पकाता है, ये इसमें ये शक्ति कहाँ से आ गई? गुरु जी आपने हमें धोखा दे दिया। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, मैं धोखे की बात नहीं करता हूँ, आपने सच कहा है, इसका बारे में इसके बारे में उसको भी पूछता हूँ। तो बोले गुरु ऐसा ही बोलते, पूछते पूछते नहीं हम ही पूछेंगे एक दिन। अरे गए और बोले, अरे कल्याण तू ये तो बता कि तू इतना श्रेष्ठ कैसा हो, तो हवा में उड़ के कैसा, ये विद्या गुरुजी ने तुझे कब सिखाई? गुरुजी ने विद्या कुछ नहीं सिखाई। बोले तो क्या? अरे क्या? बोले मैं नीचे से पानी लाता हूँ, मेरे साथ और एक भी आदमी आता है, हम दोनों मिल के पानी, दोनों हम तो तुझे अकेले को ही देखते हैं। अरे नहीं यार, वो बंदर के टाइप का आदमी है, वो मेरे साथ आता है। और बोले स्वामी जी के कपड़े, हाँ मैं और उन्हें दोनों धोते हैं। मैं बोला तुम एक दिन, तुम्हारे में से कोई शिष्य हो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के एक घड़ा लेके और ऊपर आओ। सब लोग 100 सीढ़ियाँ भी नीचे चढ़े, घड़ा लेकर नीचे गिर गए। 700 तो नहीं आने की बात नहीं। तो ये बंदर की बात क्या कर रहा है? गए स्वामी जी को, स्वामी ये कहते हैं कि इनके साथ बंदर आता है कोई तो भी। तो स्वामी जी ने अब कह दिया कि अगर ये हनुमान जी इसके साथ आते तो ये लोग से मेरी जान ले लेंगे। अरे बंदर विंदर कुछ होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कोई आता होगा भाई, उसके पास था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो हमारे प्रति अन्याय है, वो 700 सीढ़ियाँ उतना बड़ा लेके आते, हम 100 सीढ़ियाँ नीचे से, उतनी शक्ति उसके पास कहाँ? वो तो तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे को खाना पका कर देता है, उसकी वो सिद्धि हमारे को कुछ नहीं। तो ये बात अगर अब गुरु है ना, कभी भी बोलते अरे कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ। स्वामी समर्थ ऐसे ही टालते जा रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उन शिष्यों ने सबको कहा कि स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक दिन शिवाजी महाराज स्वामी समर्थ रामदास से मिलने आए, तो ये सारे शिष्य गए, प्रभु हम एक आपसे बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा अरे क्या बात करते हैं, क्या चाहिए? नहीं नहीं आप अगर उसको, आप हमारी जो विनती है अगर आप स्वामी जी तक पहुँच, स्वामी जी हमारे को जवाब नहीं दे रहे, अगर आप ये विनती आप स्वामी जी तक पहुँचाते हैं तो हम आपकी श्रेष्ठता को देखते हैं, आप जो स्वामी जी जवाब नहीं दे रहे। बोलो क्या बात? बोले प्रभु हम रोज़ स्वामी जी के पास रखकर दासबोध लिखते हैं, रोज़ वेद लिखते हैं, रोज़ मंत्र पढ़ते हैं, रोज़ आरती करते हैं उनकी, और हम रोज़ विद्वत्ता वेद आदि सीखते हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि हम वो 700 सीढ़ियाँ पानी लेकर आता है, वो आकाश में उड़ के आता है, हमारे को सीधा चलते सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं, आकाश में उड़ने की बात तो दूर रही, वो आकाश में उड़ता है, ऐसी बात है। तो तुम्हारे को अरे उनको उसके साथ क्या, वो खाना पकाता है, जहाँ लंगोट धोता है, इसलिए उसको विद्या दे दिए, और हमारे को कुछ नहीं, हम इतना लिखने वाले, हमारे कुछ नहीं दिए, ये उनका कहना था। तो शिवाजी महाराज बोले ये भी अन्याय की बात है, मैं गुरु जी से पूछूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आए, बातें करते रहे, वो शिष्य बाजू में दरबार के बाजू में करते शिवाजी को इशारा करते रहे, पूछो पूछो। अब शिवाजी वहाँ खड़े खड़े बोले ये तो मेरे पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी मेरे को तो आपके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोले क्या? स्वामी समर्थ रामदास गुरु थे, सब पता था उनको, फिर भी बोलो शिवाजी क्या बात? बोले प्रभु आपके ये जो शिष्य दासबोध आदि लिखने वाले आपके पास जो 10-12 शिष्य हैं, जो साधना करते हैं, जो लिखते हैं, वो लोगों के प्रति वो लोग कहते हैं कि अन्याय हो रहा है। बोले क्या अन्याय? बोले आपको आपकी सेवा करने वाला, जो कपड़े धोने वाला, तुम्हारा खाना पका के देने वाला वो है, उसको तुमने आकाश में उड़ने की विद्या दे दी, वो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत बड़ा घड़ा रहता है, इनके पास 100 सीढ़ियाँ चढ़ने की भी शक्ति नहीं है, वो शक्तिवान है और कहता है कि वो रोज़ उसका बंदर उसके साथ काम करता है। तो स्वामी समर्थ रामदास ने कहा नहीं भाई ऐसा बंदर विंदर नहीं कहना, वो साक्षात हनुमान जी उसके साथ आते हैं। शिवाजी डर गए, हनुमान जी उसके साथ आते हैं? हाँ हनुमान जी उसके साथ आते हैं और हनुमान जी उसके साफ करते हैं। प्रभु ये तो अन्याय है, तो ये लिखने पढ़ने वालों को भी आप हनुमान जी को आप सहायता करने के लिए बोलना ना, आप उसका अकेले को बोलते हैं। बोला देख जिसकी उसकी श्रद्धा है, जिसकी उसकी निष्ठा है, वो सेवा करता है, इसलिए मैंने उनको कहा। अब इनमें ये रोज लिखते हैं, इनको उद्वत्ता का अहंकार है, साधना करने का अहंकार है, और इनको मैं क्या दूँ, जो कहता हूँ तो मैं तो देता हूँ। अब वो उसके बारे में कहा नहीं प्रभु ये इसके बारे में आपको कुछ करना है, ठीक है देखेंगे। शिवाजी महाराज भी बैठ गए, स्वामी समता जो खाना वगैरह सब हो गया। तो ये जो शिष्य था कल्याण बोलने वाला, रोज़ पान कूट के लाके देता था, उनको चवाने की ये नहीं थी, तो पान कूट के लाके देता था शिवाजी महाराज को। तो अब ये शिष्य सब बैठे थे, आज तो इसका इंसल्ट करना ही करना है। तो उन्होंने जो पान कूटने की वो खलबत्ता जो बोलते हैं आप उसको, जो कूटने की रहती है, उसको ये शिष्य सब लोग लाके छुपा के रख दिए और बोले आज अब खाना खाते तो महाराज बुलाएंगे कि तो
पान ले किया, अब वो कैसा लेके जाता है देखें। शिवाजी महाराज बैठे हुए थे, थोड़ी देर हो गई, अब ये शिष्य दिख रहा है कि वो मेरा पान कूटने का वो कहीं नहीं मिल रहा है, और महाराज ने दो बार तीन बार पूछा, कल्याण मेरा पान लेके नहीं आया तू तो।